नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देसी फ्लेवर्स में। आज मैं आपसे शेयर करूंगी लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी, जिसमें है लेमन और कोरिएंडर का रिफ्रेशिंग फ्लेवर। ये एक बहुत ही हेल्दी और लाइट सूप है और इसमें ढेर सारा विटामिन सी होता है, इसलिए इसे इम्यूनिटी बूस्टर सूप भी कहते हैं। तो चलिए बनाते हैं ये हेल्दी सूप। लेमन कोरिएंडर सूप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन में 4.5 कप पानी चढ़ा के रखा हुआ है और इसमें हम डालेंगे कुछ सब्जियाँ, क्योंकि हमें सबसे पहले बनाना है वेजिटेबल स्टॉक। तो वेजिटेबल स्टॉक के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं एक प्याज और एक गाजर, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। और ये धनिया की मोटी डंडियाँ, ये लगभग ली है मैंने 1/4 कप। तो इन सब सब्जियों को डालकर इसमें मैं स्टॉक बनाऊंगी। और इसमें डालेंगे हम लेमन जेस्ट। लेमन जेस्ट जो होता है, ये जो नींबू होता है इसका ऊपर का जो स्किन होता है उसको हम ग्रेट करेंगे। और इसको डालने में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी अंदर की स्किन इसमें नहीं आनी चाहिए, यानी जो इसका सफ़ेद भाग होता है वो इसमें नहीं हमें कद्दूकस करना है, नहीं तो फिर वो कड़वा लगेगा। तो इसमें मैं डालती हूँ लेमन जेस्ट, बहुत ही हल्का हल्का हमें इसको ग्रेट करना है। और इसमें इस तरह से एक नींबू का हम जेस्ट डाल देंगे, जिससे इसका बहुत ही अच्छा लेमनी फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी, पिंच ऑफ हल्दी। और इसको हम फिर हम उबलने देंगे, और इसको 8-10 मिनट हम उबलने देंगे, फिर इसको हम छानेंगे। इसको मैंने अब इस तरह से छान लिया है स्ट्रेनर से, और ये हमें जो वेजिटेबल स्टॉक मिला है इसको हम अलग रख देंगे, और अब इसी से हम अपना लेमन कोरिएंडर सूप बनाएंगे। स्टॉक बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई ली है और उसमें डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच ऑयल का, रिफाइंड ऑयल, और 1 छोटा चम्मच बटर डालूंगी। बटर से इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। केवल बटर भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर केवल डालने से थोड़ा बटर जल जाता है, इसलिए थोड़ा इसमें ऑयल भी डाला है। और केवल हम ऑयल में भी बना सकते हैं, तो ये हमारे जैसे गर्म होता है। तो इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है और करीब 4 से 5 छोटे साइज़ के गार्लिक लिए हैं और उनको बारीक चॉप कर लिया है। इसमें मैं ये डाल दूँगी और इसको थोड़ा सौते करूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अभी हमारा गार्लिक और जिंजर भी पक चुका है, तो अब इसमें डालेंगे हम सब्जियाँ। तो यहाँ पर मैंने बहुत बारीक कटी हुई गाजर ली है 2 बड़े चम्मच, और बहुत ही बारीक कटी हुई पत्ता गोभी। इसमें हम सब्जियाँ अपनी मनपसंद अनुसार डाल सकते हैं, इसमें हम बीन्स डाल सकते हैं, इसमें हम मशरूम भी डाल सकते हैं, और इस सूप को हम बिना सब्जियों को भी बना सकते हैं। तो हम काफ़ी वेरिएशन इसमें कर सकते हैं, सूप में मटर भी डाल सकते हैं इसमें हम, इस तरह की सब्जियाँ हम कोई भी डाल सकते हैं। तो इसको हम पका लेते हैं 2 मिनट। अब ये इसको भी पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, तो इसमें हम अब डालेंगे स्टॉक जो हमने पहले बनाया था। स्टॉक डाल देते हैं इसमें, अब हम डालेंगे इसमें नमक, स्वादानुसार नमक, और काली मिर्च डालेंगे 1/2 टीस्पून काली मिर्च, इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डालेंगे अगर आपको तीखा पसंद है, नहीं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए और इसमें हम अब बॉयल आने देंगे। इसको मुझे उबालते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं डालूंगी धनिया, और धनिया यहाँ पर लिया है मैंने करीब 1/2 कप, और फिर हम डालेंगे कॉर्न स्टार्च स्लरी, जो कि यहाँ पर मैंने 1 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लावर में करीब 4 बड़े चम्मच पानी डालकर मिक्स किया हुआ है, और इसको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी, जिससे कि इसमें थोड़ी सी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाए। वैसे तो ये सूप बहुत गाढ़ा नहीं अच्छा लगता है, ये सूप थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं मिक्स किया, तो ये थोड़ा सा रनी होता है सूप। और इसको डालकर फिर से हम 2 मिनट लगातार चलाते हुए इसको हम बॉयल करेंगे।
अब इसको पकाते हुए मुझे लगभग 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस। नींबू का रस यहाँ पर 2 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ और इसको एक स्टर देंगे और ये हमारा सूप अब तैयार है। ये लेमन और कोरिएंडर का जो इसमें फ्लेवर है बहुत ही अच्छा लगता है और एक यूनिक कॉम्बिनेशन है इसका और बहुत ही लाइट है सूप, कोई हैवी सूप नहीं है और जाड़ों के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ सूप बोल में, ये सर्व करने के लिए एकदम तैयार है और इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और इसी तरह से आप बनाएंगे तो देखिएगा कितना अच्छा ये सूप बनता है। और आप बना करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।